आइए सीखे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हम न सिर्फ अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं बल्कि इनका ट्रांसलेशन थोड़ा ट्रिकी होता है और अक्सर लर्नर सोचते रह जाते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आइए इस शानदार लेसन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको कहना हो आपका हुक्म सर आंखों पर, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम एट योर सर्विस सर या आई एम एट योर सर्विस मैडम। यानी जब आपको कहना हो कि आपका हुक्म सर आंखों पर, तो फिर आप इन दोनों सेंटेंस में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये बात आप किसी मेल के लिए बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे सर। अगर किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मैडम। कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज इजियर सेड देन डन। यानी कहना आसान है, करना मुश्किल है। मैं इस बकबक को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन नॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस। यानी मैं इस बकवास को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हर बात में मनमानी करता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज हिज ओन वे इन एवरीथिंग। यानी वो हर काम में अपनी मनमानी करता है या वो हर काम में अपने मन का सुनता है। कई बार आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं वह नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही नॉक्ड अबाउट फॉर अ जॉब। यानी वह नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू स्पॉइल द होल गेम। यानी तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर आपको कहना हो कि चिल्ला चिल्ला कर उसका गला बैठ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही क्राइड हिमसेल्फ हॉर्स। यानी चिल्ला चिल्ला कर उसका गला बैठ गया। अगर आपको कहना हो कि उसकी सारी उम्मीद मिट्टी में मिल गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज ऑल होप्स इंडीड इन स्मोक। यानी उसकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। कई बार आप कहते हैं उसकी खूबसूरती का क्या कहना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हर ब्यूटी बेगर्स डिस्क्रिप्शन। यानी उसकी खूबसूरती का क्या कहना। अगर आपको कहना हो कि मेरी आंखों में आंसू भर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज। यानी मेरे आंखों में आंसू भर गया। अगर आपको कहना हो कि गाली ग्लोस से वह हाथापाई पर आ गई, यानी गाली ग्लोस के बाद वह झगड़े पर आ गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फ्रॉम हॉट वर्ड्स सी केम टू ब्लोज। यानी गाली ग्लोस से वह हाथापाई पर आ गई। अगर आपको कहना हो कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है या यह एक बनावटी कहानी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। यानी यह एक मनगढ़ंत कहानी है। अगर आपको कहना हो कि आप हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू ऑलवेज स्टैंड इन माई वे। यानी तुम हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इन सभी सेंटेंसेस को आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा। इनमें से कौन कौन एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन को जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय।